अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 में आज हम बात करेंगे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, हमने साइटोप्लाज्म स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद एक और ऑर्गेनल आता है जिसका नाम है गॉल्जी एपरेटस, या जिसे हम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैंने बताया था कि कैनाल्स हैं या चैनल्स हैं या रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही ये भी एक कैनालिकुलर सिस्टम होता है, यानी समझ लें कि गलियों का एक सिस्टम है, कैनाल्स का एक सिस्टम है, रास्ते बने हुए हैं जिसके अंदर सैक हैं। सैक का मतलब बैग्स होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है कि इसके अंदर ये जो रास्ते होते हैं ये पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी एक के ऊपर एक। अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, तो ये एक कैनाल लगी हुई है, उसके बाद इसके ऊपर इसके नीचे एक और होगी, इसके ऊपर एक और होगी, और ये आपस में अरेंज होती हैं। इनके अंदर एक इंटरट्यूबुलर नेटवर्क होता है जो कि इन्हें कनेक्ट करवाता है एक दूसरे से। तो इस तरह से ये पैरेलल अरेंज फ्लैटेंड चपटे चपटे जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो एक बात जो इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी बनाती है वो ये है कि ये कैनाल्स का एक सिस्टम है, गलियों का एक सिस्टम है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है वो ये है कि एक तो ये पैरेलल अरेंज है, ठीक है, बिल्कुल एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। गॉल्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसका नाम गॉल्जी था। इनका एक और नाम है जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। किस में कहते हैं? प्लांट्स के अंदर जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जो लोअर इन्वर्टिब्रेट है, लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर आपके वो तमाम एनिमल्स आते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा से पहले हैं। फाइलम चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो शुरू के 8 फाइलम है, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, ये सारे के सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इनके गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को या गॉल्जी एपरेटस को या गॉल्जी बॉडी को और प्लांट्स के अंदर जो मौजूद है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज डिक्टियोसोम। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अच्छा, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का और एनिमल्स का अगर आप समझें कि डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं है, इन दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होती है, यानी एक ही शक्ल। यही गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आपको प्लांट्स के अंदर भी मिलेगा और यही गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आपको एनिमल्स के अंदर भी, एनिमल के सेल के अंदर भी मिलेगा। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, चेंबर्स बने हुए थे, फोल्ड्स थे जिन्हें हमने कहा था सिस्टर्ने, बिल्कुल उसी तरीके से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कंपार्टमेंट्स होते हैं प्लेट की तरह, जिन्हें सिस्टर्ने कहा जाता है। और मैंने बताया कि अगर ये है, ये इस तरह का एक फ्लैट सैक है, सैक कहते हैं बैग को, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक और है। तो ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है और ये बीच का जो कंपार्टमेंट है ये कहलाता है सिस्टर्ने। और मैंने बताया कि ये दो जो होंगे इनके दरमियान ट्यूब्यूल्स होंगे, तो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि इन्हें आपस में कनेक्ट करके रखता है। अच्छा, मैंने बताया कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो उसकी मॉर्फोलॉजी तो सेम होगी, यानी शक्ल तो सेम होगी। फ़र्क क्या होता है? एनिमल के सेल के अंदर यूजुअली एक आपको मिलता है गॉल्जी एपरेटस, लेकिन प्लांट के सेल के अंदर आपको मिल सकते हैं एक से ज़्यादा भी। अच्छा, अब आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। जिस तरह हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखा था कि दो टाइप का ईआर था, एक रफ था और एक स्मूथ। रफ का काम कुछ और था और वो किसी तरह के सेल्स में ज़्यादा होता था, स्मूथ का काम कुछ और था और वो किसी तरह के सेल्स में ज़्यादा होता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। देखिए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम जो होता है ना, वो दूसरों की बनी हुई चीज़ों में छेड़छाड़ करना होता है, यानी ये अपनी चीज़ें कुछ खास नहीं बनाता, लेकिन जो दूसरे कोई चीज़ बनाते हैं उसके अंदर से कोई चीज़ निकाल देता है, कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो पहला फंक्शन इसका क्या होता है? कलेक्शन, यानी अगर किसी ने कुछ बनाया है तो ये उसे रिसीव करता है। कोई भी मेनली जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, जो प्रोटीन्स बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती हैं। तो जैसे ही ईआर में कोई प्रोटीन बनती है वो आती है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, तो ये उसे कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये उसके अंदर छेड़छाड़ करता है, यानी उसे मॉडिफाई करता है, कोई चीज़ निकाल लेगा उसमें से, ठीक है, या कोई चीज़ ऐड कर देगा या उसका शेप जो है वो चेंज कर देगा। ये करने के बाद उसे ये पैक करता है दोबारा एक बैग के अंदर और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका फंक्शन हो गया कलेक्शन, उसके बाद मॉडिफिकेशन, उसके बाद पैकेजिंग और उसके बाद डिलीवरिंग। कौन से प्रोडक्ट? मेनली प्रोडक्ट आते हैं ईआर से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो भी प्रोटीन बनाते हैं, पहले वो प्रोटीन बनती है इस तरह से, अमाइनो एसिड की सीधी चेन बनती है।
लेकिन हर प्रोटीन का इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं होता, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोटीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ प्रोटीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता ये, बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर भेज देता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और फाइनली ये वो तमाम चेंजेस जो है वो लेकर आता है। तो अब गॉल्जी कॉम्प्लेक्स किसके अंदर ज़्यादा होगा? जिनका काम सीक्रीशन से रिलेटेड होगा, यानी ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारे जो ग्लैंड्स हैं जिनका काम कुछ ना कुछ बनाकर रिलीज़ करना होता है, उनके अंदर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है? कलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करने के बाद पैकेज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कई बार सेल से बाहर चली जाती हैं चीज़ें, कई बार सेल के अंदर ही रह जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गई गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कि वो दूसरों के कामों में, दूसरों की बनाई हुई चीज़ों में छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स खुद से कुछ नहीं बनाता। हमारे पास दो चीज़ें हैं जो आपने लाजमी याद रखनी है, जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड कहते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट को जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट। तो ये दो चीज़ें हैं। नंबर वन, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपने पढ़ा है सेलुलोज होता है, इसके अलावा पेक्टिन होता है, इसके अलावा हेमी सेलुलोज होता है। तो सेल वॉल के अंदर ये जो मटेरियल्स हैं, ये कौन बना के छोड़ता है? अगर ये सेल की मेम्ब्रेन है हमारे पास, तो आपने पढ़ा है सेल के अंदर से चीज़ें जाकर जमा हो जाती हैं बाहर, और ये जमा होने के बाद सेल वॉल बना देती हैं। तो ये कौन है जो मटेरियल छोड़ रहा है बाहर? ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स खुद बनाता है ये, और उसके बाद बाहर छोड़ देता है। दूसरी चीज़ है सेल प्लेट मटीरियल। अब ये सेल प्लेट मटीरियल क्या है? देखिए, ये अगर हमारे पास एक प्लांट का सेल है जिसके अंदर ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस है, जब ये डिवीजन करेगा तो होगा क्या? पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ये आप माइटोसिस के अंदर पढ़ेंगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो अब ये एक सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड होता है कि सेल के दरमियान में ना एक मटीरियल आकर बैठने लगता है। जब ये मटीरियल पूरा का पूरा आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर एक दीवार बन जाती है, जिसकी वजह से एक प्लांट का सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये बेसिकली कहलाता है सेल प्लेट मटेरियल। कौन बनाकर छोड़ता है ये? ये भी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ता है। तो मेनली तो इसका काम है दूसरों की चीज़ों में छेड़खानियाँ करना, लेकिन दो चीज़ें हैं जो ये खुद बनाता है, एक सेल वॉल और दूसरा सेल प्लेट मटीरियल। अच्छा, ये हमारे पास गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया ये हमारे पास फ्लैट सैक मौजूद हैं, बैग्स मौजूद हैं, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के अरेंज है। अच्छा, इसके अराउंड आपको ये कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर वेजिकल्स। वेजिकल वो बैग होता है कि जिसके अंदर कोई मटीरियल इस तक आता है। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अगर ये प्रोडक्ट बनाया है, तो ये ऐसे ही तो नहीं फेंक देगा ना, ये क्या करेगा, इसे एक बैग में बंद करेगा। इसने ये प्रोडक्ट इस बैग में बंद कर दिया, और ये बैग के थ्रू आएगा इसके पास, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो ये वो बैग्स हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहते हैं। तो जब कोई चीज़ आती है, तो वो बैग में बंद होके आती है, और जब ये उसके अंदर छेड़खानी करके वापस भेजता है, तब भी इसी तरह के बैग्स में बंद करके भेजता है, जिन्हें हम वेजिकल्स कहते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, वो ये है कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर अगर हम साउंड की बात करें, तो साउंड को रिसीव करने का एक अलग एंड है, और साउंड प्रोड्यूस करने का एक अलग एंड है। हम जो साउंड रिसीव करते हैं वो कानों से करते हैं, ठीक है, और जो साउंड निकलता है हमारे, वो मुंह से निकलता है या हलक से निकलता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसके पास अगर कोई मटेरियल आता है, तो वो इस तरफ से आता है, इस साइड को हम कहते हैं सिस फेस, ये इसका रिसीविंग एंड है। और अगर ये कोई मटेरियल भेजता है, तो वो यहीं से वापस नहीं चला जाता, बल्कि इस तरफ से वापस जाता है, ठीक है, ये वाला जो साइड है यहाँ से वापस जाता है, तो ये कहलाता है ट्रांसफेस, या इसे शिपिंग साइड कहते हैं। तो ये रिसीविंग एंड है, यहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं, उसके बाद इस पूरे रास्ते में छेड़खानियाँ होती हैं उसके अंदर, और फिर उसे दोबारा पैक करके यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। ये एक और डायग्राम है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फेसेस हैं, ये रिसीविंग एंड है, ठीक है, और ये हमारे पास वो एंड है जहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है या शिपिंग की जाती है।